ठीक करने के लिए कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ विकास को लेकर और गांव से जुड़ी समस्या को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, ग्राम पंचायत मैनपुर जी। प्रधान जी, आपको प्रधान बन पाया कितना टाइम हो गया? मेरे को 9 मंथ हो गए। प्रधान जी, आपकी जो जीत हुई थी कितनी वोटों से हुई थी? मेरी 698 थी टोटल, यानी कि 78 वोटों से मेरी जीत हुई थी। प्रधान जी, जो वोटिंग है इस काम की कितनी है? मेरी 2681 मेरी वोटिंग। प्रधान जी, आपने वैक्सीनेशन कराया? हाँ, वैक्सीनेशन 3 डोज लगी मेरी। कितने परसेंट बस कुछ ही लेकिन ज़्यादा ही लगे। हाँ, ज़्यादा हो गई, 95 से ज़्यादा हो गया मेरा वैक्सीनेशन। प्रधान जी, जो वैक्सीनेशन तीसरा आया है 15+ वाला, वो कितने परसेंट हो गया होगा? वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम है। और वैक्सीनेशन चल रही है उसी हिसाब से, जैसे 2 जा रही है जैसे 3 आ रही है लोगों के, उसी हिसाब से कवर हो रहा है। प्रधान जी, जो वैक्सीन हुआ है ये सर्वे करके हुआ है, कितने द्वारा सर्वे? ये सर्वे हम भी हैं और हमारे BDCगढ़ हैं जो हमारी आशा एन एम है और ये हमारे डीलर वगैरह सारे टीम है, साथ हमारी पंचायत सहायक है, सबके द्वारा सर्वे भी है और वैक्सीनेशन भी चल रहा है फिलहाल। बताएंगे आपने अपने गांव में सैनिटाइजर 2 बार कराया था? मैंने सैनिटाइजर 2 बार कराया था जी, कोरोना काल में। जी, कोरोना काल में कराया था और कभी नहीं। नहीं, मेरे गाँव में कोई था। हाँ, वृक्षारोपण कराया था। कितने पेड़ पौधे लगाए? मैंने 3000 के करीब लगाए थे। ये शमशान है, स्कूल है, पोखर है और कुछ जैसे कि खेतों के जो बराबर में रास्ते हैं कच्चे हैं वहाँ पर दिए हैं। जो पेड़ पौधे लगवाए थे किनके द्वारा लगवाए थे? ये हमारे मनरेगा है, मनरेगा मनरेगा मजदूर है, उनकी एक दिन की पेमेंट क्या होती है? यह है 204 रुपये। मेरे अभी फिलहाल मैंने बनाया, जो मेरे पिछले बने हुए थे, हाँ पूर्व प्रधान के अकॉर्डिंग वही पर मेरा वर्क चल रहा है। कितने कार्ड? करीबन है 185 कार्ड है। प्रधान जी, आपके स्कूल है? हाँ, प्राइमरी हाँ स्कूल है मेरा, सरकारी में एक सरकारी प्राइमरी और एक स्कूल हमारा प्राइवेट है, सावित्री को पास होकर करने वाले मार्क पड़ता है जी। 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 आपके गांव में जो 5 क्लास स्कूल है उसमें जो मल्टी मिल का खाना मिलता है वो आपकी देख रहे? हाँ, मेरी देख रेख में होता है और हमारी स्टाफ है, खाना टेस्ट किया है, मैं डेली में जाता हूँ देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। छात्र छात्रा 185 टोटल टोटल 185 टीचर्स की संख्या है? टीचर है हमारे 7-8 करीबन 8। प्रधान जी, जो खाना बनाते हैं वो साफ सफाई के? हाँ, साफ सफाई थोड़ा सही चल रहा है उनका। कितने लोग खाना बनाते हैं उसमें? 4 लेडीज हैं और अच्छे तरह से खाना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रेख मतलब यानी कि एक आध दिन थोड़ा कह नहीं सकता पर डेली वैसे ही जाता हूँ जी। प्रधान जी, बैठने की व्यवस्था कैसी? बैठने की व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर आते हैं टाइम टू टाइम? बच्चे से अच्छी तरह बच्चों से बात की? हाँ, बच्चों से मिलता हूँ, सब मिलता हूँ बच्चों के लिए, पर बच्चे अभी इतने भी ठीक नहीं हैं जितने वो कहते हैं चीज़ में, पर मीडियम साइज सही है फिलहाल। प्रधान जी, आपके यहाँ पे नहीं हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल गाँव में नहीं, शिकार पर है। कितनी दूर पे? यहाँ से पड़ जाएगा करीबन 2 किलोमीटर पड़ जाएगा। प्रधान जी, कोई मनी बैंक है आपके गाँव में? मनी बैंक और वहाँ की सफाई वगैरह है और तुम्हारी पेंशन वगैरह जो भी कुछ चलती है और इंटरलॉकिंग कराया है। इंटरलॉकिंग कराई मैंने, लंबाई चौड़ाई करीबन 3 किलोमीटर कराए थे मैंने, मेरा 300 मीटर और अभी अरे को उसका काम चल रहा है। सचिवालय है? हाँ, सचिवालय है। कार्यालय
फर्नीचर सारा कुछ आ गया, बट अभी कंप्यूटर थोड़े कुछ रह गए हैं, उनको मैं एक आध दिन में ठीक कर दूंगा। कैमरे में तो अभी नहीं है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।